होशियारपुर में सिख मुस्लिम दलित ईसाई सांझा फ्रंट की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सांझा फ्रंट के कार्यकर्ता विकास हंस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला होशियारपुर में पड़ते थाना दसुहा के हल्का टांडा के गांव शाहपुर में कुछ कांग्रेसी गुंडों की तरफ से वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके चलते पीड़ित लड़की ने थाना दसुहा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पीड़ित लड़की ने पुलिस की कार्रवाई पर आरोप लगाया और कहा कि वहां के थाने के एसएचओ ने शिकायत देने के बावजूद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय वह उन्हें दोषियों से राजीनामा करने की बात कह रहे हैं तथा पुलिस पीड़ित लड़की पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव बना रही है, जिसके चलते सांझा फ्रंट द्वारा इस बात की कठोर निंदा की गई है और जिला पुलिस प्रशासन को 48 घंटे के अंदर पर्चा दर्ज करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर उक्त दोषियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह दसुहा थाने का घेराव कर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। आज सिख मुस्लिम दलित ईसाई सांझा फ्रंट वालों जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया वा दसुहा दे नाल लगदा पिंड शाहपुर जिथे कि वाल्मीकन समाज की लड़की जिहड़ी साडी छोटी भैन एक क्लीनिक दे विच लैब दे विच काम करती सी उत्थे उस पिंड का एक लड़का जिहड़ा जिहदा नाम अभी आ उन्हें उसना उत्थे जाके क्लीनिक दे विच जाके उन्हें बदसलूकी की उत्ते हाथ चक्या गलत शब्दावली जिहड़ी आ उहदी वरतों की और अज एक तरीक की दरखास्त दिती पई आ दसुहा थाने विच कोई उत्ते कार्रवाई नहीं हुई। बार बार कॉन्टैक्ट करन ते भी प्रशासन नाल डिप्टी साहब नाल SHO साहब नाल कोई हजे तक नहीं और प्रशासन वालों जिहड़ा बार बार जिहड़ा जोर पाया जा रहा राजीनामे वास्ते क्योंकि वो जिहड़ा लड़का वा वो कांग्रसी लीडरां दे नाल घूमदा वा उहनां दी पूरी शहब आ कांग्रेस की जिहड़ा लड़का उहने SHO दे रूम दे विच बैठ के कबूल भी किया भी हाँ मेरे को हुई है गलती पर फिर भी आपां नूं कुछ कह ही नहीं रहे। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੈਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਇਹਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਵੀ